कि वी थॉट के कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हर इन्वेस्टर को फायदा हो. दैट वॉज द रूट ऑफ यू नो द सीड जब स्टॉकेज जहां से शुरू हुआ कि डेटा को यूज करके कैसे फायदा लें. तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट टू आवर्स विल ट्राई एंड सी कि हमने क्या क्या चीजें स्टॉकेज में बनाई है. बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार मीन्स इनफाइनाइट टाइम्स वी हैव सीन कि आपके पास पेड मेंबरशिप है स्टॉकेज की लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, राइट. तो जो है उसमें से अगर 10-20% भी एक्स्ट्रा यहां से आज सीख के चले गए तो आई एम श्योर उससे कुछ ना कुछ वैल्यू एड हर किसी को हो जाएगी. तो स्टॉकेज का फ्रेमवर्क के पीछे का थॉट प्रोसेस बताएंगे, डेमो देखेंगे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और हर फीचर मैं जो दिखाऊंगा उसके साथ विवेक सर हमको ये बताएंगे कि उस फीचर को मार्केट में पॉजिटिवली इस्तेमाल करने का एक और क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में आप अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो व्हाट आई विल स्टार्ट इज कि कोर थॉट क्या था स्टॉकेज के पीछे. ये चार चीजें, जस्ट दीज फोर थिंग्स, एवरीथिंग वी डू विल फॉल अंडर वन ऑफ दीज फोर. क्या है ये? डेटा. तो कितने स्टॉक्स है मार्केट में? अराउंड 6,000 स्टॉक्स इन द मार्केट NSE BSE मिला के. अगर सिर्फ प्राइस डेटा पकड़े और सिर्फ एंड ऑफ द डे पकड़े तो साल के 240 दिन का डेटा आएगा, पिछले 10 साल का डेटा होगा. तो 6,000 × 240 × 10 कितने डेटा पॉइंट्स हो गए? सम मिलियन डेटा पॉइंट्स. फिर यही डेटा हम न्यूज का कर लेते हैं, यही डेटा हम बैलेंस शीट का कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस का कर लेते हैं, हर कंपनी के रेशियोज का कर लेते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स का कर लेते हैं. जस्ट थिंक अबाउट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स वी एक्चुअली कंप्यूटेड इन स्टॉकेज. वी हैव ऑलमोस्ट 1 बिलियन डेटा पॉइंट्स. ठीक है, 1 बिलियन मतलब कितने जीरो समझ आ रहे हैं? मुझे इतना ही समझ आ रहा, बहुत ज्यादा. आई कांट मेक सेंस ऑफ हाउ मच इज 1 बिलियन. सो द आइडिया इज कि ये डेटा सबसे पहले तो हमारे को एक्सेसिबल होना चाहिए. ओके, ब्लूमबर्ग टर्मिनल था नहीं जब हमने स्टार्ट किया, हर इंसान के पास तो था नहीं. हम क्या देखते थे? मनी कंट्रोल. ओके, वहां क्या मिलता था हमको? टिपिकली न्यूज मिलता था, एनालिटिक्स कम मिलती थी. और हम लोग ये देख रहे थे कि पूरा दुनिया जा रहा है डेटा एनालिटिक्स की तरफ. आज दुनिया क्या है कि आप कितने बजे क्या खाओगे आपको नहीं पता होगा, स्विगी को पता है. इजंट इट? होता है, आपके पास आता है नोटिफिकेशन, आज संडे आज तो पिज्जा खा लो, आता है नोटिफिकेशन. दे नो इट बेटर देन अस. And those who have not received this kind of notifications, आप ऑन कर लो, आपका ऑफ हो गया होगा किसी कारण से. राइट डे पे राइट मैसेज, राइट एड ऑन यूट्यूब, आपके इंस्टाग्राम फीड में आप जो देख रहे हो उसी के हिसाब से आपकी फीड चेंज होती है, राइट. तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज नाउ ड्रिवन बाई डेटा. हाउ कैन वी यूज डेटा टू आर एडवांटेज? तो हमने पहला प्रिंसिपल ये बनाया कि किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ जानना है तो एक प्लेटफॉर्म में मैं आपको हर तरह का डेटा किसी तरह से दिखा दूं, राइट. एक स्टॉक के बारे में मुझे टेक्निकल जानना हो, फंडामेंटल जानना हो, शेयर होल्डिंग जानना, कुछ भी जानना हो, वी पुट इट अंडर वन बैनर. दैट शुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ स्टॉकेज, ताकि आपको डेटा ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े. ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ डेटा. सेकेंड इज कि डेटा डाल दिया, अब इतना सारा डेटा तो करें क्या, समझ में तो आएगा नहीं सब कुछ, प्रोसेस तो कर नहीं पाएंगे इतना डेटा को. तो हाउ कैन वी रिड्यूस दैट डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? जब आप डेटा में से डेटा क्रंचिंग करके कुछ आउटपुट निकालते हो, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन डेटा में यही डिफरेंस है. इंफॉर्मेशन में अगर आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब आपने सिर्फ रेलिवेंट डेटा को बाहर निकाल लिया, तो अब मुझे 1 बिलियन नहीं देखना है, मुझे मे बी 1,000-2,000 इंफॉर्मेशन पॉइंट्स देखने हैं. तो मेरी लाइफ थोड़ी ईजी हो गई, कम टाइम स्पेंड करके मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं. क्या उन 1,000 में से कोई 10 आइडियाज निकल सकती है? इफ यस, तो मुझे क्लूज मिल गया कि मुझे किस स्टॉक में या किस सेक्टर में या किस थीम की तरफ जाना है. सो दैट इज आइडियाज. थर्ड इज डिसीजन मेकिंग, कि ये 1,000 तो निकल गया बट 1,000 स्टॉक में तो नहीं इन्वेस्ट करूंगा मैं, 1,000 आइडिया को तो ट्रेड नहीं करूंगा. तो कैन वी लीड टू अ डिसीजन इन सम वे? वन प्राइमरी प्रिंसिपल डिफरेंस ऑफ स्टॉकेज एंड एनी अदर ब्रोकिंग टूल विल बी कि हम आपको डायरेक्ट कॉल नहीं देते कि ये खरीद लो और ये बेच दो, तो फिर इतना मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं था हमको. Our theory is कि empower everyone so much that you have the right data in your hand, you have the right knowledge in your hand, you have all the clues, all the insights through which you can make decision making, but the final decision has to be taken by you yourself, depending on the philosophy that you are following for your
इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स। और लास्ट अभी हम लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं कि पर्सनलाइज कर दें, ये आपकी फिलॉसफी जो है अगर उसको भी किसी तरह से कैप्चर करके स्टॉकेज में इंक्लूड कर लें और फिर आपका डैशबोर्ड सिर्फ आपकी फिलॉसफी से रिलेटेड बन जाए, दैट हैज बिकम आवर नेक्स्ट टारगेट, जिसपे हम ऑलरेडी थोड़ा काम कर चुके हैं और बहुत काम करने की हमारी प्लानिंग है। अब एक एक करके हम लोग अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और कई सारे जो फीचर्स है ना, यहाँ लेफ्ट साइड में यू हैव लॉट ऑफ फीचर्स दैट वी हैव डन, और राइट साइड में आप ऊपर देखो कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो तो आपको कौन सा फीचर काम में आ सकता है। तो डेटा में क्या है, जैसे न्यूज आ रही है डेली, ओके, न्यूज इज अ पीस ऑफ डेटा। ये किसके काम आ सकती है, ये हर किसी के काम आ सकती है, क्योंकि न्यूज का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भी हो सकता है। स्टॉक्स इज रेलिवेंट फॉर एवरीवन, इंडिसेस इज रेलिवेंट फॉर एवरीवन। वी हैव एन इवेंट सेक्शन इन द ऐप व्हिच शोज दैट यू नो टुडे दिस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मेट्रिक विल बी पब्लिश्ड। आज यूएस का जीडीपी का नंबर अनाउंस होगा, आज एम्प्लॉयमेंट रेट का नंबर अनाउंस होगा, विच कैन हैव इंपैक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट्स। दैट इज रेलिवेंट फॉर ओनली शॉर्टर टर्म पीपल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। देन यू हैव रिजल्ट, फोर्थ कमिंग रिजल्ट, कि कंपनी ने क्या रिजल्ट पब्लिश किया, उसकी सेल्स बढ़ी कि घटी, हर क्वार्टर में एवरी कंपनी इज पब्लिशिंग रिजल्ट, सो दैट इज रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स बट रेलिवेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। सिमिलरली एसएमई में दोज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लार्जर टाइम फ्रेम बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टिंग रिटर्न्स।